मैं फ्लाइंग बर्ड स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे फ्लाइंग बर्ड स्कूल में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और हम हर प्रोग्राम में भी जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, हमारे लिए तालियाँ बजाते हैं, हमारे मम्मी पापा भी देखने जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर डॉक्टर भी आते हैं और यहाँ पर इलाज भी होता है। मेरे को तबीयत खराब हुई थी तब मैं इमरजेंसी में गई थी, तब एड्रेसन फ्री में हुआ था। खाने से पहले हम हाथ धुलते हैं, फिर प्रे करते हैं। हमें यहाँ पर कॉपी भी मिलती है, किताब भी, किराने भी। हमारे स्कूल में वो क्रिसमस डे भी मनाया जाते हैं, त्योहार बहुत सारे मनाते हैं, जैसे क्रिसमस डे और होली, दीपावली। बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हम सब फ्रेंड इस स्कूल में पढ़ते हैं और इस स्कूल जो हमारे माता पिता भी नहीं हमारे लिए कर सकते हैं, वो हमारी मैमों ने हमारे लिए किया है। और हम मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, हमारी मैम का, हमारे टीचर्स का धन्यवाद। नमस्ते। हमारे बच्चे फालतू फिरते थे तो मैडम जी ने एक स्कूल बनवाया तो हमारे बच्चों को व्यवस्था हुई कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोले, जूता चप्पल ड्रेस ये सब कुछ मिलता है, खाना भी मिलता फ्री, दवाई भी फ्री होती है। हमारे बच्चे जो भी हैं सही से रहते हैं और अच्छे साफ सुथरे रहते हैं। हमारी बड़ी बेटी स्कूल में जाती है सरकारी में और एक छोटा कैलाश रोशनी यहाँ पढ़ते हैं, तो हमें चिंता नहीं रहती। जो हम नहीं दे सकते वहाँ स्कूल में मिल रहा है। मेरा बच्चा वहाँ कंपटीशन में जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बच्चा उधर पढ़ता है, जो कुछ भी मेरे को घर पे आके बताता है कि मैम ने आज मुझे ये सिखाया है, तो मैं बोलती क्या सिखाया, बोलता पोएम सिखाई, ABCD सिखाई, जो हम नहीं सिखा सकते हैं। हॉस्पिटल में जाते थे पहले, लेकिन अब यही सुविधा हो गई है, डॉक्टर आते हर महीने में तो वही इलाज कर देते हैं। यहाँ सब कुछ फ्री इलाज होता है, जैसे कोई बच्चा सीरियस हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाते हैं स्कूल से, वहाँ दवा फ्री होती है। हम यहाँ पर मजदूरी करने आए, यहाँ पर हमारे को कोई पहले सुविधा नहीं थी, अब सुविधा हो रही है, यहाँ स्कूल खुल गया हिमालय तरफ से। हम दिन भर अपना मजदूरी करने चले जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं रहती, हम खूब अच्छे कर से मजदूरी करके अपना घर आ जाते हैं। बच्चे भी हमारा सुरक्षित हमारे घर में रहते हैं, सब जिम्मेवारी मैम ने उठा ली है। हम मैडम का धन्यवाद करते हैं, आशीर्वाद देंगे, बहुत धन्यवाद है मैडम को। फ्लाइंग बर्ड स्कूल बहुत समय से चल रहा है। ये स्कूल ग्राम विकास संस्थान के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मजदूरी करने वाले लेबर के बच्चों को हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हर उम्र के बच्चे को लेते हैं और उनकी योग्यता और उम्र के हिसाब से ग्रुप बनाते हैं, जिसके अनुसार उनकी पढ़ाई करवाई जाती है। फिर हम उनको सरकारी स्कूलों में उनका एडमिशन करा देते हैं, जहाँ पे वो सरकारी स्कूलों से जुड़कर आगे पढ़ते जाते हैं। यहाँ पे उनको साफ सफाई के संग हम बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा पे भी ध्यान देते हैं। इनके लिए हम लोगों ने टॉयलेट भी बनाया है, तो जो बच्चे जब खुले में जाते थे आज वो बच्चे टॉयलेट में जाते हैं, वो खुले में शौच के लिए नहीं बैठते हैं। और इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम इनको सांस्कृतिक समारोह और इवेंट्स में भी प्रतिभागिता करवाते हैं, जिससे इन बच्चों का मनोबल बढ़े, इनमें हीन भावना ना आ पाए। मेरा नाम शिवानी है, मैं RDI में पहले स्कॉलर थी, अब मैं फ्लाइंग बर्ड में टीचर हूँ।
जब पहली बार मैं यहाँ पर आई तो बच्चे धूल मिट्टी में खेलते थे काफ़ी बच्चे, तो धीरे धीरे मतलब जब वो स्कूल आने लगे तो उनमें बहुत सुधार आया। अब सब काफ़ी बच्चे साफ़ सुथरे आते हैं, जो भी हम लोग सिखाते हैं वो अच्छे से सीखते हैं। पहले उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब बच्चे बहुत अच्छे से हर चीज़ को सीखते हैं और अच्छी हम सब लोगों का कहना मानते हैं। उनको जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डांस प्रोग्राम सिखाया, डांस होता है, डांस सिखाया जाता है, खेलने की कोई चीज़ होती है वो सिखाई जाती है, या हमारे त्यौहार उनको बताए जाते हैं तो वो अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं उसका। मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं बच्चों के साथ काम करूँ और ये मेरा मनपसंद का काम है। अब मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले और मैं उनको पढ़ाती हूँ।